कुछ भी क्वालिटी कम नहीं। कितने की होगी ये? लगभग मिल जाएगी आपको 10-15 हज़ार के बीच में। सो हाई गाइज, वेलकम बैक टू द माय चैनल एक्सप्लोर विद जीपी। और आज मैं अपने गांव के अंदर से निकल रहा था बाहर की ओर, तो बाहर आप मेरे पीछे देख सकते हो, कैमरामैन थोड़ा कैमरा घुमा के दिखाइए, यहाँ पर जो बकरियाँ आप देख रहे हो 150 बकरियाँ होगी, 150 बकरियों का ये लॉट है। और हमारे मित्र जो यहाँ पे ग्रेजिंग के लिए इन बकरियों को लेके आए हैं, बात मैं ये करना चाहूँगा कि राजस्थान के अंदर जितने भी हमारे किसान हैं या बकरी पालक हैं, आपको पता होगा जैसे कि राजस्थान के अंदर 90% जो फार्मिंग रिलेटेड जो किसान हैं वो बकरी पालन में फेल नहीं होते। क्यों नहीं होते? उसका कारण ये है कि ये ग्रेजिंग के लिए बकरियां बाहर की ओर आती है और ग्रेजिंग के लिए ये बकरियां जो हैं वो घूमती है। तो नॉर्मली ये कहना चाहूँगा कि जहाँ पर चारे का खर्च कम आता है वहाँ पर जो है बकरी पालन से बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं आप। और स्टॉल फीडिंग पे ज़्यादातर लोग जो है क्वालिटी माल रख के और फिर उनकी फार्मिंग करते हैं, क्योंकि स्टॉल फीडिंग पे बहुत खर्चा आता है और उस खर्चे को देखते हुए काफ़ी किसान जो हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं कि जानवरों का बहुत ज़्यादा खर्चा आ रहा है और इनकम नहीं कर पाते। तो मेनली ये है कि राजस्थान के अंदर जितने भी किसान हैं 70-90% जितने भी किसान हैं वो बाहर की ओर अपनी बकरियों को चराते हैं और उन्हीं से जो है बच्चे आते हैं और उनकी जो इनकम होती है वो 3-4 गुना होती है। ये जो बकरी आप देख रहे हैं गुलाबी के अंदर, ये बकरी है, थोड़ा सा नज़दीक आइए आप, नीचे आ जाइए, दिखा दीजिए, थोड़ा नीचे होएंगे तो दिख जाएगी। और ये मुंडी के अंदर है, प्योरिटी के अंदर आप बोलोगे तो सोचत की ये बकरी है, कोई भी गले की पट्टी नहीं है और वाइट खुर है इसके, गुलाबी है। तो नॉर्मल अब ये बकरी है जो अभी ये प्रेग्नेंट है या मतलब बच्चे देने वाली है? प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट है, बच्चा देने वाली है। तो बच्चे देने वाली है मतलब अभी कितने महीने की होगी? ये 3 महीने की गबन है और 2 महीने से ब्याने वाली। अच्छा, 2 महीने से बच्चे देने वाली। तो गाइस अब ये लक्ष्मण भाई साहब ये कितने मतलब क्या रेट होगा इसका? इसका रेट ये गुलाबी नस्ल में है और लंबे कान है इसका, और कम से कम 15-20 के अंदर मिल जाएगी, मिलेगी अच्छी। अब गाइस कितने फार्मर होंगे अपने यहाँ राजस्थान में? खूब फार्मर हैं, खूब है, बहुत सारे हैं। तो थोड़ा बहुत गाइस आपको ढूंढना पड़ेगा ऐसी बकरियों को। अब बकरी की क्वालिटी आप अगर इस पे पतीरा बच्चा लगाते हैं, अगर पतीरा बच्चा अगर आप इससे क्रॉस करवाएंगे तो क्या गुलाबी का इसका रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट जो है वो एक नंबर आएगा। और यहाँ जो मैं दिखा रहा हूँ वो 150 बकरियाँ हैं, इसमें से 20 बकरी तो आपके फार्म के लायक मिल ही जाएगी, मिल जाएगी। तो आप जैसे मतलब कितने सारे लोग हमारे घूमते हैं बकरियों के लिए, तो उनको थोड़ा सा सोजत के अंदर घूमना पड़ेगा तो एक सही रेट के अंदर उनको ये बकरियाँ मिलेगी। अभी हम दूसरी बकरी दिखाते हैं। तो ये कितने महीने की होगी? ये सेम दोनों बहन, ये दोनों बहन है, सगी बहन है, सगी बहन है। तो ये भी सेम प्राइस के अंदर आएगी। और इसकी माँ भी है क्या यहाँ पे? इसकी माँ भी है। अब गाइस ये देखिए यार, इससे ज्यादा गुलाबी आप क्या लेंगे यार? ये गुलाबी बकरियाँ और प्योर गुलाब 20,000 की रेट में मिल जाएगी? मिल जाएगी, मिल जाएगी। अब ऐसी बकरियाँ अपने पास कितनी होगी? ऐसी कम से कम 20 बकरियाँ मिल जाएगी। बकरी है गाइस, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि अच्छा चलो पहले दिखा देता हूँ। अब ये है मेल ब्रीडर, इसका बच्चा है। जब थोड़ा सा गाइस ये बकरा जो है आज से मैंने 4 महीने पहले वीडियो डाला था, लक्ष्मण जी थोड़ा नजदीक आ जाइए, आवाज नहीं आ रही। तो ये बकरे का वीडियो मैंने 4 महीने पहले डाला था और उस समय ये 1.5 महीने का था, लक्ष्मण 1.5 महीने का था, हाँ छोटा बच्चा था। और अभी इसको 6 महीने कंप्लीट हुए, हाँ अभी 6 महीने सोचत की ग्रोथ है। और ये एज ए ब्रीडर लाइक बच्चा है, एकदम मुंडा है और टॉप क्वालिटी का है। इसका वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि एक साल बाद जब ये टॉप ब्रीडर बन जाएगा तब भी हम इसका वीडियो डालेंगे, और एंड में इसका बच्चे का जो बचपन का था वीडियो, वो वीडियो मैं वीडियो के एंड में लगाऊंगा, तो वो वीडियो भी आप पूरा देखिएगा। तो ये अच्छा। है बच्चा अभी 6 महीने का हुआ है, ये बकरा है? हाँ ये भी बकरा है। अब ये प्योर सोजत के अंदर ये बच्चे आते हैं और अभी ये 6 महीने इन्होंने कंप्लीट नहीं किए, नहीं किया, इसको 5 महीने हुआ। अब इनका वजन हाइट लेंथ क्या जाएगी? ये 100 क्रॉस करने वाले बच्चे हैं जो 1.5-2 साल के अंदर 100 kg से भी ज्यादा क्रॉस करते हैं। अच्छा आइए और दिखाते हैं बकरियाँ। आइए लक्ष्मण जी देखो, ये जो बकरियाँ आप देख रहे हैं इनको दिखा दीजिए, ये हमारी सोजत की पुरानी बकरियाँ, ये पुरानी। और गुलाबी बकरियाँ जो बनी है वो इन्हीं बकरियों से गुलाबी बकरियाँ बनी है।
गाइस क्या है कि नॉलेज जो है बहुत ही मुश्किल से मिलता है। आपको इस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए कि हमारे सोचित एरिया के अंदर बकरियां कैसी हैं, पुरानी बकरी की ब्रीड कौन सी है। और चैनल के थ्रू मैं आप लोगों को यही बताने की कोशिश कर रहा हूं और क्वालिटी भी दिखा रहा हूं, पुरानी बकरियां भी दिखा रहा हूं। अच्छा मेरे को ये बताइए लक्ष्मण जी, हाँ, कि जैसे ये अपनी पुरानी बकरी है, एक बार दर्शकों को दिखा दीजिए, ऐसी बकरी क्या रेट में आ जाएगी? ये तो 8 दांत हो चुकी होगी अभी? ये 6 दांत हो चुकी है। 6 दांत हुई, कितनी कैपेसिटी है बच्चे देने की? ये 4 बार वो देंगे बच्चा। 4 बार बच्चे देगी? नहीं नहीं ये नहीं पूछ रहा हूँ, बच्चे कितने दे रही है? बच्चे 2 देती है। 2 बच्चे परमानेंटली? 2 बच्चे परमानेंट? 2 बच्चे फर्स्ट टाइम भी इसने 2 ही दिए? 2 दिए। अब ये 4 दांत बकरी है, फुल लेंथ के अंदर है, गुलाबी बन नहीं है क्योंकि हमारी पुरानी यहाँ सोजत की ये बकरियाँ हैं। अब ऐसी बकरी की क्या प्राइस रहेगी? ये कम से कम 10,000 लगभग मिल जाएगी। 10,000 की ये बकरी। आप चाहें तो ऐसी बकरियों से भी बिजनेस कर सकते हैं गाइस, और आप ढूंढेंगे तो ऐसी 10,000 की अगर पीस बकरी लेके जाते हैं, क्वालिटी को नहीं सोचते हैं कि हमें फार्म शुरू करना है। क्योंकि मैं बहुत सारे फार्म देख रहा हूँ जहाँ पे नॉर्मल बकरियाँ होती है, वो तो गुलाबी भी नहीं होती है, और उनके भी फार्म अच्छे रन कर रहे हैं। तो आप चाहें तो, मैं किसी को भी मतलब नीचा नहीं दिखा रहा हूँ, ये बड़ी फ्रेम की बकरियाँ हैं। उन लोगों के भी हमारे पास फ़ोन आते हैं, दूसरे लोगों के जो यहाँ से आउट ऑफ राजस्थान हैं, तो वो लोग भी ये बिजनेस करना चाहें तो कर सकते हैं। 10,000 की बकरियाँ हैं तो 20 बकरी लोगे तो 2 लाख की बकरियाँ आती हैं। 2 लाख की प्रेग्नेंट आएंगी, जो कुछ बच्चे देने वाली भी होंगी, और इसके अलावा बच्चे हैं। अच्छा इसके भी बच्चे हैं? हाँ। कितने बच्चे होंगे इसके? इसके अलावा 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे तो ऐसी बकरियाँ आपको मिल जाएगी। एक टॉप क्वालिटी का ब्रीडर आप लगा के अपने फार्म को डेवलप कर सकते हैं, और खुद की क्वालिटी बनाइए, आप खुद की क्वालिटी भी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और बना सकते हैं। एक बहुत अच्छी बकरी है लक्ष्मण जी, आइए उस बकरी को देखते हैं, सींग वाली बकरी है। अब भाई ये जो बकरी आपको अभी दिख रही है सींग वाली, बहुत अच्छी ये बकरी देखिए, फुल हाइट और लेंथ की है, थोड़े से कान जो है इसके चिपके हुए आए हैं। अब ये कितने दांत हो गए लक्ष्मण जी? ये 4 दांत है। 4 दांत की ये बकरी है। 2 बच्चे देने वाली है बकरी? 2 बच्चे देने वाली। अभी तो ये क्रॉस होगी? हाँ अभी क्रॉस है, 3.5 महीने की। इस बकरी में क्या क्वालिटी कम है? कुछ भी क्वालिटी कम नहीं। कितने की होगी ये? ये लगभग मिल जाएगी आपको 10-15 हज़ार के बीच में। 10-15 हज़ार की ये बकरी। ऐसी बकरियों का चुनाव करें, और कोई भी इसमें ये बीमार नहीं है बकरी, फुल आप सोच सकते हैं कि स्वस्थ और हेल्दी बकरी है। अब इतना कैमरा थोड़ा घुमा के बताइए कितनी बकरियाँ हैं यहाँ पर? ये कितनी है? 150 के करीब तो होगी ना बकरियाँ? हाँ 150 बकरी है। 150 बकरी है, 100 भेड़ है। 100 भेड़े अलग हैं? हाँ। अच्छा 100 भेड़े अलग है? 100 भेड़ है और 150 बकरी। अच्छा 150 बकरियाँ दोनों मिक्स में है। आप फार्मिंग में, ये चाहता हूँ कि फार्मिंग को आप और हम लोग जो हैं एक अलग ही लेवल पे लेके जाए। और अगर मेरे वीडियो आपको लगता है कि इसमें कुछ पोटेंशियल है तो इसको सब्सक्राइब करिएगा। और आज तक मैंने बहुत सारे वीडियोस डाल दिए हैं अभी तक, और मेरे तकरीबन 7,500 जो सब्सक्राइबर हैं वो कंप्लीट हुए हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ यूटिलाइजेशन हो रहा है, आपके काम आ रहा है ये मेरा कॉन्टेंट जो है, और आपको पसंद आ रहा है। अब आप मुझे ये बताइए कि मैं कैसी बकरियों के वीडियोस डालूं, कैसी बकरियों को आपको पसंद है, किस रेट तक की बकरियों के वीडियोस डालूं, आप सारे मुझे कमेंट करें। और मेरे वीडियोस आपको कैसे लगते हैं वो भी बताइए, अगर बुरे लगते हैं तो भी आप मुझे कमेंट करें, अच्छे लगते हैं तो भी कमेंट करें, और मुझ में जो कमियाँ हैं आप मुझे ज़रूर बताएँ। और आप सभी का शुक्रिया कि आज हमारी यूट्यूब की फैमिली जो है 7,500 लोग पूरे हो चुके हैं, तो हाथ जोड़ के उन सभी को धन्यवाद मेरा कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। और बताइएगा आप मुझे और आगे हम गोट फार्मिंग में क्या क्या कर सकते हैं, तो उसके रिलेटेड भी आप मुझे कमेंट करिएगा। और थैंक यू सो मच, कैसे लगते हैं वीडियो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।